आपने देखा थमलिन में 0.41, यानी कि हमारा जो फ्यूचर शेयर है उसकी वैल्यू जो है 0.41 आ चुकी है। तो आप लोग सोच के देखिए कि यहाँ पर कितना तेजी से लोग बायबैक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं या पैकेजेस खरीद रहे हैं। देखिए, इस कंपनी का कभी भी कोई कंडीशन नहीं रहा कि पैकेज आपको लेना ही लेना है। जिनको इसका पोटेंशियल पता है, जिनको इसकी बारीकी से जानकारी है, जो लोग इस सिस्टम को समझ रहे हैं, वही लोग यहाँ पर पैकेजेस ले रहे हैं। और फ्यूचर शेयर का रेट ऐसे नहीं बढ़ रहा है कि कंपनी ने सॉफ्टवेयर चला दिया, घुमा दिया और आपको बढ़ता हुआ दिख गया। लोग परचेस कर रहे हैं बायबैक प्रोग्राम। लीडर बोर्ड में जाइए, वहां पर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन के यूजर नेम आपको दिखेंगे। यानी कि वो लोग डेडिकेशन के साथ जो अपना MLB बोनस का जो प्रोग्राम है वो भी कर रहे हैं, यानी मंथली लाइफस्टाइल बोनस भी ले रहे हैं, पैकेज भी सेल कर रहे हैं और खुद भी अपना अपनी आईडी को लगातार एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं उनको पता है पोटेंशियल क्या है। मेरे बताने का ये मतलब है कि यहाँ पर ये चीज नहीं कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप भी ले लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये इंटरनल चीज बताई क्योंकि जो 0.41 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ बायबैक प्रोग्राम के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, जो फ्यूचर शेयर के पैकेजेस ले रहे हैं, उनके माध्यम से ये चीज बढ़ रही है। अब जैसे ही ये 0.45 पे आएगा तो आपको पता है क्या होने वाला है, बायबैक प्रोग्राम पूरी तरह शुरू हो जाएगा। वहां पर कंपनी आपसे फ्यूचर शेयर की, जो पुराने फ्यूचर शेयर है वो 1 यूरो की वैल्यू से लेगी, और अगर जो नए पैकेजेस, जो न्यू एरा पैकेजेस जो ले रहे हैं जिसमें फ्यूचर FS2 जिसको कहा गया है, वहां पर 2 यूरो के हिसाब से लेगी। लेकिन कितना लेंगे, कितना परसेंट लेंगे, वो सब बाद में आपको पता चलेगा। तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पर अब इस तरीके से जो है तेजी से ये काम चल रहा है, और जैसे ही अपना 0.45 पे आएगा तो बायबैक प्रोग्राम जो है हमारे लिए शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कल हमने वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था जाका में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कर लीजिए। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, कल का वीडियो आपको दिखेगा, उसमें आपको जाका का रजिस्ट्रेशन मैंने फिर से बना के दिखाया। हालांकि 2 या 2.5 महीने पहले मैंने इसका वीडियो बना दिया था जाका की रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लेकिन वीडियो काफी पुराना हो गया है, लोगों को नहीं मिलता, तो कल के वीडियो हमने फिर से उसको कवर करके आपको एक रजिस्ट्रेशन करके दिखा दिया कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिन से काफी यूट्यूबर है जो कि अच्छे अच्छे यूट्यूबर है जो कि वीडियो बना रहे हैं कंपनी के लिए, अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सामने आके बात करें, यानी कि आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, उससे बढ़िया तो आप सामने आए तो काफी अच्छा फर्क पड़ेगा, काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको सुनती है या जो आपको समझ, जो आपके सारे मैसेज को जानती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पॉजिटिव वीडियो बना रहे हैं, तो जरूर अपने आप को सामने लाएं, आपकी ऑडियंस आपको देखेगी, कि आप पता चलेगा उनको कि हाँ भाई ये इस व्यक्ति के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। और अब जितने भी नेगेटिव वीडियोज हैं वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो भी नेगेटिव वीडियो है तो काफी लोग हैं उनको रिपोर्ट डिसलाइक कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी कंपनी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई रुकावटें लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये ऐसा बड़ा महाप्रोजेक्ट है जो कि जब ये शुरू हो जाएगा तो बहुत बड़ी क्रांति लेके आने वाला है। ये बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल फैक्ट है। कितना भी चाहे कोई गलत इसका संदेश दे दे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब जो है पॉजिटिविटी बढ़ रही है, काफी लोग जो है अब ऐसे चैनलों को डिसलाइक कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि भाई जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनको ABCD नहीं पता है सारी, तो वो किस बेस पे जो है इस तरीके से नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं। कंपनी पहले भी शुरुआत हुई थी, आज भी टिकी हुई है, आगे भी टिकी रहेगी, अपना काम कंपनी कर रही है। किसी के कोई भी लीडर, चाहे कितना बड़ा क्यों ना, चाहे कितना ही फेमस व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो आपके साथ नहीं दिख रहा है, यदि वो सिस्टम में नहीं दिख रहा है, यदि वो नहीं आपको पता चल रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, क्या है, तब भी सिस्टम आपका चलेगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई एक लीडर गायब हो गया, या जो इंडिया लेवल पे कोई लीडर आपको दिख रहा था वो अचानक से गायब हो गया है, नहीं दिख रहा है, या वो आपको नहीं, तो आपको उसको नहीं देखना है, आपको कंपनी को देखना है। कंपनी अपना काम कर रही है, कंपनी आपको न्यूज लेटर के माध्यम से सारी जानकारी दे रही है, कंपनी सारा काम आपको करके दे रही है। और जैसी कंपनी, जिस तरीके से कंपनी को चलना चाहिए उस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को रन करा रही है, और ये स्टार्टअप प्रोजेक्ट है आप सभी को पता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे सारी चीजें जो है लाइन अप हो जाने वाली है। तो दोस्तों, काफी लोगों ने जाकर में रजिस्ट्रेशन किया, और यह की वेबसाइट मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोग खोल के जरूर देखें, और अपने जितने भी लोग हैं
सभी को बोले जाकर में रजिस्ट्रेशन आपने तो कर लिया भाई, लेकिन अगर आपकी टीम में नहीं लग किया तो कम से कम सभी लोग अपनी अपनी आईडी खोल के अपने डायरेक्ट लेवल के जितने भी लोग हैं उनके कांटेक्ट नंबर आपको दिखेंगे, या आपने कोई ग्रुप बना रखा है ब्रॉडकास्ट का या व्हाट्सएप का, तो उसमें जरूर इन्फॉर्मेशन दें कि भाई जाकर में रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, आप सभी के पास पहुंचेंगे और सभी लोगों को आप इसकी पूरी जानकारी दे पाएंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ का जैसे हमारे एलेक्स सर ने कहा था कि मलेशिया से शुरुआत होगी यहाँ की, कई लोग ऐसी अफवाह फैला दिया उन्होंने कि इतनी तारीख से शुरू हो रही, कई यूट्यूबर वीडियो डाल रहे 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, कोई कह रहा है 30 से शुरू हो जाएगा। तो देखिए बिना जानकारी के वीडियो डालना वो भी गलत है, क्योंकि आप मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। यदि आपके साथ ऑडियंस जुड़ी है तो आप मिसगाइड कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। 20 जुलाई की कहीं से भी कोई ऐसी डेट नहीं आई है, ठीक है, जिससे कि आप किसी को बोल सके कि यह जो है शुरू हो रहा है। हाँ ये जरूर है कि एलेक्स सर ने मीटिंग में ये जरूर कहा था कि जो ईहा है मलेशिया से शुरू होगा, कब होगा कैसे होगा ये सब चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, ठीक है। तो ईहा का भी जो भी, और ईहा का भी काफी पोस्ट लोग बना बना के डाल रहे हैं, तो इस तरह से ना करें, डेट ना दें किसी को, क्योंकि आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो गलत मैसेज जाता है। उस डेट पे अगर कोई चीज शुरू नहीं होगी तो लोग आप ही से पूछेंगे कि भाई आपने डेट दिया था या आप ही ने बताया था, तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। जो भी रियल जेन्युइन न्यूज है वही आपको लोगों को प्रोवाइड करानी है, उसके अलावा तीसरी दूसरी कोई बात नहीं करना है। काफी लोग हैं जो कि मतलब मिस गाइड वाला मैसेज जो है इधर उधर ग्रुप में भेजने लग जाते हैं, या वायरल कर देते हैं, या वीडियो तक बना के डाल देते हैं कि भाई इस डेट से शुरू होगा, तो ये गलत है। पहले भी हमने कई बार कहा है कि ऐसा ना करें, सही गाइडेंस दें। कंपनी अपना काम कर रही है, कंपनी अपनी शुरू होगी और कंपनी अपने तरीके से काम करके सारी चीज दिखाने वाली है। तो दोस्तों 0.0 0.41 की वैल्यू FS2 की हो चुकी है, और बहुत ही जल्दी जितना जल्दी हो सकेगा कंपनी इसको कोशिश करेगी कि 0.45 पे आ जाए। कंपनी क्या आप जैसे लोग लीडर लोग जो बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शेयर देखिए क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको पता है कि इसकी शेयर की वैल्यू आगे कितनी जा सकती है, तो इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से भी वो लोग कर रहे हैं, या आप कह लीजिए उनको जाकर क्रिप्टो मिल रहा है। जो लोग क्रिप्टो खरीद रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो क्रिप्टो ही वो लोग क्रिप्टो खरीद रहे हैं, साथ में उनको फ्यूचर शेयर मिल रहा है। उनको जैसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जालाइफ में रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो लोग एक ही तीर से सारे निशाने साध रहे हैं। कैसे, जैसे उन्होंने न्यू एरा पैक का बड़ा पैकेज लिया, उसके अंदर वाउचर भी मिल रहे हैं, उसके अंदर फ्यूचर शेयर भी मिल रहा है, FS2 मिल रहा है, उसके अंदर क्रिप्टो भी मिल रहा है, यानी कि सारी फैसिलिटी उससे मिल रही है। तो उन इन्वेस्टरों को पता चल रहा है कि इसका पोटेंशियल क्या है, तभी इस वजह से आपने देखा कि बहुत जल्दी ये जो फ्यूचर शेयर FS2 है 0.41 पे आ गया, तो ये बहुत ही जल्दी आपको लाभ देने वाला है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए, और जो भी मीटिंग्स होती है उनको फॉलो करिए, देखिए काफी कुछ चीजें सीखने को समझने को मिलेगी। और अब तो लोग जाग रहे हैं, अब काफी लोग जाग गए हैं जब सेलेक्स सर का अनाउंसमेंट हुआ है कि महीने में 2 बार मीटिंग होगी, मलेशिया से शुरुआत करेंगे, इवेंट होंगे, तो बहुत बड़ा बूम आने वाला है। जैसे इवेंट शुरू होंगे दोस्तों, तो इवेंट के जब आपको क्लिप मिलेगी या इवेंट के पिक्चर्स मिलेंगे, तो आप सारा इंडिया के जितने लोग हैं बहुत जबरदस्त तरीके से बूम कर जाएंगे, यहाँ पर खुश हो जाएंगे। और काफी जो लोग पुराने जो नेगेटिव हो गए जिन्होंने आईडी खोलना छोड़ दिए, वो लोग भी यहाँ पर जाग जाने वाले। और अब ऐसा हो रहा है, काफी लोग हैं जो जिन्होंने आईडी लगाई थी और भूल गए थे और बंद कर दिया था, लेकिन एलेक्स सर के अनाउंसमेंट के बाद सारे लोग जो है अब जाग रहे हैं, अपना अपना आईडी पासवर्ड खोज रहे हैं या उनके अपलाइन को संपर्क कर रहे हैं। कई लोग मेरे भी हैं, उन्होंने फोन किया सर हमारा यूजर नेम दे दो, करीब 60 से 70 लोग ऐसे थे जिन्होंने यूजर नेम मांगे, तो अच्छा लगा कि चलिए लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, कई लीडर बोलते हैं कि सर हमारी तो पूरी टीम मर गई, हमारे तो सारे लोग नेगेटिव हो गए, इधर उधर भग गए। तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब रियल विज्ञापन शुरू हो जाएंगे या कोई भी एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा ना, या जाका का या फ्यूचर शेयर का, तो ये जो जितने भी लोग आपके इधर उधर भागे पड़े हैं या ये सारे लोग जो शांत बैठे या नेगेटिव हो गए, अपने आप आईडी खोल के देखेंगे, आपको किसी को परेशान करने या फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खासकर जब रियल एड शुरू हो जाएगा तो ये लोग अपने आप ही आईडी खोल के देखेंगे आपको। ऐसा नहीं, आप ये मत सोचो कि आपकी टीम इधर उधर हो गई या मर गई या नेगेटिव हो गई, आज की डेट में नेगेटिव है ना, लेकिन कल जब शुरू होगा तो यही लोग अपने आप ही विज्ञापन देखेंगे, ऑटोमेटिक इनको पता चलेगा जब इसकी लहर दौड़ेगी पूरे वर्ल्ड में कि यह विज्ञापन देना शुरू कर दिया है, अपने आप ही लोगों के कान में बात पहुंचेगी। ऐसे लोग जो नेगेटिव है जिन्होंने आईडी खोलना छोड़ दी, जो विश्वास नहीं करते, अपने आप ही आईडी खोलना शुरू करेंगे, और अपने आप ही आपकी टीम वापस से
आपकी जगह आके चिपक जाएगी। मतलब कोई इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपका बंदा यहाँ से चला गया तो उसकी आईडी डिलीट हो गया, आईडी तो रहेगी, या उसको पता चलेगा पैसा मिल रहा है, विज्ञापन चालू हो गया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। क्योंकि अब जितने लोग नेगेटिव हुए ना वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे जब रियल एड शुरू हो जाएगी, कोई भी दो तीन एक दो प्रोजेक्ट हमारे रन करने लगेंगे और तेजी से काम बढ़ेगा। क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो नेगेटिव हो गए, और ये बाद में जब इनको पता चलेगा तो ये खुद सोचेंगे, रियलाइज करेंगे कि यस यार 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब ये कंपनी देना शुरू कर रही तो वाकई में रियल और जेन्युइन कंपनी है। यानी कि फिर क्या होगा, फिर वही बात होगी, फिर और तेजी से बूम आने वाला है। तो दोस्तों अपने विज्ञापन देखते रहिए, अपना सभी साथी दोस्त यार मित्र सभी को टच करिए, जो आपके डायरेक्ट में हर एक व्यक्ति अपने डायरेक्ट लेवल वाले बंदे को बस फोन कर दे कि भाई अपने विज्ञापन देखो और काफी कुछ अच्छा बहुत जल्दी होने वाला है। बाकी वेट करते हैं न्यूज लेटर का, कहाँ से क्या न्यूज लेटर आता है, क्या क्या जानकारी मिलती है उसके लिए, तो वेट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।